इस विपत्ति में भी संपत्ति ढूंढ रहे हैं कुछ कालाबाजारी। रेमडेसिविर दवा से लेकर एम्बुलेंस तक में चल रहा है भारी कालाबाजारी का दौर। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जान लीजिए क्या है सुर्खियां। एक तरफ रेमडेसिविर की किल्लत, दूसरी तरफ कालाबाजारियों की मौज। जी हां, आज लखनऊ पुलिस ने बड़ी खेप रेमडेसिविर के कालाबाजारियों की पकड़ी है। इसके अलावा मनमाना दाम वसूल रहे हैं एम्बुलेंस वाले। ललितपुर से हम ये भी दिखाएंगे आपको रिपोर्ट कि आखिर वहां कैसे पकड़े जा रहे हैं एम्बुलेंस चलाने वाले। और साथ साथ एक बार फिर लखनऊ और उत्तर प्रदेश में बढ़ा कोरोना का संक्रमण, ये सब कुछ आज का यूपी में। कोरोना की इस महामारी में प्राणवायु बनकर निकले इस रेमडेसिविर दवा की न सिर्फ कालाबाजारी हो रही है, बल्कि अब नकली दवाएं भी धड़ल्ले से ऊंचे और मुंहमांगी कीमत पर बिक रही है। आज पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह को पकड़ा जिसके पास से 70 ऐसे रेमडेसिविर की नकली वाइल पकड़ी गई, जिसे 20,000 रुपए में एक वाइल बेचा जा रहा था। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कौशल शुक्ला नाम का एक शख्स है जो कि लोगों को रेमडेसिविर बढ़ी कीमतों पर, ऊंची कीमतों पर दे रहा है। उसके बाद पुलिस ने वेश बदलकर उससे संपर्क किया, एक घंटे बाद उसे बुलाया और तब जाकर उसे जब पकड़ा तब यह पूरा भांडाफोड़ हुआ। आप इन तस्वीरों में देखिए कि कितनी रेमडेसिविर की ये जो वाइल है ये टेबल पर सजा कर रखी गई है, लेकिन ये सब नकली लग रही है। और बकायदा पुलिस ने भी और सरकार ने जो अपनी प्रेस रिलीज जारी की है उसमें ये कहा है कि ये नकली रेमडेसिविर की दवा है जो कि मुंहमांगी कीमत पर इस वक्त ब्लैक में भी बेची जा रही है। मानक नगर थाने के थाना प्रभारी ने एक टीम बनाया था और उसके बाद इसे पकड़ा। एक तरफ ऐसी घटनाएं जिसमें नकली रेमडेसिविर बेची जा रही है, दूसरी तरफ एक और गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है जिसमें 5 लोग पकड़े गए हैं। ये असली रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए हैं। इसमें कुछ लोग डॉक्टर और अस्पतालों से जुड़े हैं और इन लोगों ने भी जबरदस्त तरीके से रेमडेसिविर दवा की ब्लैक मार्केटिंग की है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे लोगों पर NSA लगाया जाना चाहिए और अब NSA लगाने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर इस वक्त वो दवा जो लोगों के लिए जिंदगी हो सकती है उसकी न सिर्फ कालाबाजारी बल्कि उसकी नकली दवाइयां भी लखनऊ में बेची जा रही हैं, और ये सब कुछ इंसानियत को धोखा देने जैसा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सीजन को लेकर इस वक्त कैसे बुरे हालात हैं आप इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि आज बकायदा वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी ऐसी इकाइयां जिसमें ऑक्सीजन तैयार होता है वहां अब ऑक्सीजन बचा ही नहीं है। एक एक बेड पर दो दो लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है और वो मुहैया नहीं करा पा रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएम ने कहा कि वाराणसी में ऑक्सीजन भरने का अब कोई सोर्स नहीं बचा है। बंद प्लांट को जिला प्रशासन के सहयोग से शुरू किया गया है लेकिन उसमें वक्त लगेगा। वाराणसी में इस वक्त 1900 बेड मौजूद हैं और एक बेड पर 2 ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। ऑक्सीजन युक्त 1600 बेड पर पहले से मरीज भर्ती हैं और सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि ऑक्सीजन किसे दिया जाए और किसे रोका जाए। आप अंदाजा लगाइए कि वाराणसी में, ये वाराणसी डीएम के शब्द हैं जो कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। भयावह हालात इस कदर हो चुके हैं कि अब अस्पताल दर अस्पताल मरीजों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हम आपको दिखाएंगे ये भी कि जो ऑक्सीजन इस वक्त उत्तर प्रदेश पहुंच रहा है वो किस हाल में है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सीजन को लेकर हालात अभी भी काबू में नहीं आ पा रहे, यहां तक कि हालात बिगड़ रहे हैं। लखनऊ का ये दृश्य देखिए, देवा रोड का ये ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर है। यहां बच्चे, बूढ़े, जवान सभी सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर को भरवाने की लाइन में इसलिए लगे हैं क्योंकि उनके परिजन या तो अस्पताल में हैं या घरों में ऑक्सीजन के लिए जूझ रहे हैं। यहां पर लोगों के बीच रोना मचा हुआ है, यानी लोग रो रहे हैं लेकिन उन्हें हर हाल में सिलेंडर चाहिए
ताकि अपने परिजनों को जो कि इस वक्त कोरोना से जूझ रहे हैं उन्हें ऑक्सीजन दिया जा सके। देखिए ये तस्वीर और अंदाजा लगाइए कि क्या हाल है इस वक्त उत्तर प्रदेश का। ये तो था सिलेंडर और रेमडेसिविर का हाल, और अब एम्बुलेंस की हालत भी देख लीजिए। लखनऊ शहर में जो एम्बुलेंस चल रहे हैं वो मनमाना दाम वसूल रहे हैं, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 40,000 एम्बुलेंस की रेट यहां तक जा चुकी है। हालांकि एक बात और कि इस वक्त एम्बुलेंस के लिए भी ऑक्सीजन नहीं है, ऐसे में एम्बुलेंस की कालाबाजारी भी चल रही है और लगता है कि जल्द ही इस पर भी पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं ललितपुर की। बुंदेलखंड के सबसे पिछड़े जिले ललितपुर में पुलिस ने बकायदा 4 एम्बुलेंस चालकों पर मुकदमा किया है। 350 से ज्यादा प्रतिदिन यहां पर मरीज निकल रहे हैं। गांव और कस्बों के इन मरीजों को झांसी या फिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर ले जाने में 8,000 से 10,000 और 20,000 से 25,000 तक किराया वसूला जा रहा है। और जब ये बात प्रशासन के संज्ञान में आई है तो उसके बाद पुलिस वालों ने कई एम्बुलेंस चालकों को आज पकड़ा है और 4 लोगों पर मुकदमे भी दर्ज किए हैं। ऐसी हालत में जबकि ये आपदा की स्थिति है, विपत्ति की स्थिति है, इस विपत्ति में भी लोग अपनी संपत्ति बनाने से नहीं चूक रहे। कोरोना उत्तर प्रदेश में नित नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है और आज ये आंकड़ा 37,238 तक पहुंच गया। यानी कि अगर 40,000 का आंकड़ा अगले 1-2 दिन में उत्तर प्रदेश छू भी ले तो चौंकिएगा मत। लखनऊ में भी आज 5,682 मामले आए। लखनऊ इस वक्त 5,000 से 6,000 के बीच झूल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आज 7,165 लोग लखनऊ से डिस्चार्ज किए गए, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश से 22,566 लोग डिस्चार्ज किए गए। अब कोरोना से ठीक होने वालों की तादाद भी बढ़ रही है, लेकिन जिस गति से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उस गति से ठीक होने वालों की तादाद नहीं बढ़ रही, और यही वजह है कि यह महामारी हर दिन नया रूप लेती जा रही है। यह था आज का यूपी 24 घंटे के अहम खबरों के साथ। हम हाजिर थे अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।